और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत या स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। सो नवंबर 24 अटेम्प्ट के बाद जो सबसे चर्चित रहा सब्जेक्ट वो था AFM। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो भी अटेम्प्ट देने वाला है May 25 एंड बियॉन्ड, वो कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखे सो दैट वी कैन स्कोर द मैक्सिमम इन दिस सब्जेक्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ मच टाइम टू एलोकेट, क्या अप्रोच होना चाहिए, रिविजन वीडियोज क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हो, कौन से क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट। विल जस्ट टेक 10 मिनट ऑफ योर्स, बट ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो एंड तक सुनना। एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ विच विल बी अ गेम चेंजर फॉर दिस सब्जेक्ट। अब और एक चीज बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली है, जैसे AFM का मैं 10 मार्क्स के श्योर शॉट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डालता हूं। आपका अटेम्प्ट अगर May 25 या बियॉन्ड है एंड आप फाइनल लेवल पे है, देन डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज अदरवाइज कई बार मिस हो जाते हैं आप लोग से नोटिफिकेशन एंड यू देन रियलाइज इट लेट। तो उससे अच्छा अगर आप लोग कनेक्टेड रहेंगे सो दैट विल बी बेस्ट फॉर योर। अब क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए आप लोगों का, इसके लिए मैंने बनाया है एक PDF एंड ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा ऑब्वियसली ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा गाइस, एंड वो कंटेंट को आप लोग प्रॉपरली अगर यूज करते हो देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आप लोगों का स्ट्रेटेजी गाइस क्या होना चाहिए। द स्ट्रेटेजी सबसे पहले है कि कंप्लीट द वीडियो लेक्चर। यार कई बार स्टूडेंट लोग का वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ होता है, मतलब इन शॉर्ट सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ होता है पढ़ के। यूज द वीडियो लेक्चर्स ऑन योर ओन, पढ़ लो जैसे करना है कर लो, बट ये आप लोगों का एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ही आप लोग फिर बाद में अपन लोग जो रिविजन वाली बातें कर रहे हैं ना वो यहाँ पे कर पाएंगे। अगर ये नहीं हुआ है देन इन दैट केस कंप्लीट द वीडियो लेक्चर वंस, जिस भी प्रोफेसर का किया अगर इन प्रोसेस है कंप्लीट कर लो। अगर अभी तक नहीं लिया है देन इन दैट केस ले लो और डन कर लो बॉस। YouTube के ऊपर आज की तारीख में हर एक सब्जेक्ट के, हर एक प्रोफेसर का आप लोगों के पास डेमोज अवेलेबल है। सी किसके साथ वाइब मैच हो रहा है, यू कैन आस्क योर सीनियर्स आपको क्या सही लग रहा है। थोड़ा अपना रिसर्च करो, मेहनत करो एंड देन फाइंड इट एंड जस्ट गेट इट डन एंड डस्ट इट। सो जैसे अगर आपको मेरा AFM करना है देन मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है, रेगुलर बैचेस है, यू कैन यूज दैट और एनी अदर प्रोफेसर एज वेल। बट पॉइंट क्या है, जस्ट गेट इट कंप्लीट। वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट रिविजन को 10 डेज, सेकेंड रिविजन को 7 डेज एंड थर्ड रिविजन को 5 डेज। सर मतलब 3 बार करना ही करना है 101%। यस, तो ही आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा दैट यस अच्छी तरह से कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उतना चांसेस आर दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बात है, ठीक है। कोई भी जो रैंक होल्डर होता है उसमें और जो क्लियर नहीं हो पाता है उसमें एक ही डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस। सिंपल है ना, जो उसने ज्यादा मेहनत की है, उसने ज्यादा प्रैक्टिस किया है, उसने बैटल फील्ड के लिए अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। सो टोटल मैंने अप्रोक्सीमेटली 22 डेज रखा है पूरे आपके डे शेड्यूल में, स्टडी शेड्यूल में। तो अगर आपके पास 4 महीने का, 3 महीने का लीव है तो उसमें से 22 डेज जो है आपको इसके लिए डेडिकेट करने हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है बेस्ड ऑन हाउ गुड योर प्रेपरेशन इज। तो अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स जब किए हैं और वो आप लोगों को चीजें याद है देन इन दैट केस दिस इज व्हाट इट इज, अदरवाइज इट मे टेक अ लिटिल मोर टाइम। एट टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम लोग ने किया हुआ है 2 साल पहले, अभी कुछ याद नहीं है, क्लास करनी भी है बट वी आर कंफ्यूज। तो उसके लिए मेरा एक मास्टर क्लास, AFM मास्टर क्लास का बैच है अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 आवर्स का। आई विल सजेस्ट दैट टू यू, मस्त में आपका पूरा हो जाएगा। एनीवे उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दू, AFM इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग ऑल 6 सब्जेक्ट्स। सो अगर आप लोग ने AFM में अच्छी तरह से मेहनत कर ली, दिस वन सब्जेक्ट इटसेल्फ विल चेंज द वे यू आर गोइंग टू गेट योर ओवरऑल मार्क्स। अब मैंने क्या किया है, इस सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज 15 सब्जेक्ट सुन के लगता है कि यार काफी कुछ पढ़ना है, बट अगर मैं इसको 4 फेज में डिवाइड कर देता हूं, और ये भी मैंने एकदम स्मार्टली किया है। अब अगर आप लोग देखते हो तो फेज 2 है फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है। फॉरेक्स से कनेक्टेड है IFM, IFM से कनेक्ट से फॉरेक्स से कनेक्टेड है डेरिवेटिव्स, क्योंकि कुछ फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स के कॉमन सम्स होते हैं। तो ये एक साथ पढ़ना चाहिए आपको और ऐसा सोचना चाहिए ये एक सब्जेक्ट है आपका। फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी को एक साथ पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मर्जर्स बिजनेस वैल्यूएशन एडवांस कैपिटल बजेटिंग कैन बी वन फेज एंड द अदर इज द लास्ट फेज
विच इज रिलेटेड टू द थ्योरी चैप्टर्स. सो ऐसे अगर आप लोग भी फेस को सिस्टमैटिकली डिवाइड करोगे ना गाइज, ट्रस्ट मी द सब्जेक्ट विल बिकम इंटरेस्टिंग, इजियर एंड इजी टू अप्रोच. अदरवाइज 15 टॉपिक सुन के थोड़ा टेंशन आता है एंड उसकी वजह से कई बार अपन लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं. मैं तो मेरे हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि SFM AFM को ये चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो. ट्रस्ट मी इट विल बिकम वेरी स्मूथ फॉर यू टू कवर ऑल द चैप्टर्स इन द प्रॉपर मैनर इटसेल्फ. एंड बहुत ही सिस्टमैटिकली मैंने ये चारों को डिवाइड किया है. ठीक है, सो ट्राई आप भी इसी तरह से इसको वर्कआउट करें. ओके, उसके बाद में एक नई चीज मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है. अब टाइम एलोकेशन, सर कितना टाइम कितने फेज को देना है. सर ये वाला PDF कहाँ मिलेगा आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा डेफिनेटली. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, डेफिनेटली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. सर अब देखो ये चैप्टर है म्यूचुअल फंड, यूजुअली इसको एक दिन लगना चाहिए. ठीक है, आप लोग ने प्रोवाइडेड वीडियो बराबर से देखे हुए होंगे और आपको चीजें याद होगी. तो अगर सर चीजें याद नहीं है तो क्या करें, उसका भी मैं तुम लोगों को सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी. अब म्यूचुअल फंड चैप्टर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, इसमें से मैं कितने सम्स करूं? आइडियली फर्स्ट रिविजन में तो सारे सम्स करने ही है, बट उसके बाद अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ मास्टर सम्स भी मार्क करके दे रहा हूँ. यू कैन यूज दैट. जिसके पास ऑप्टिमाइज्ड बुक है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है वो डेफिनेटली ICI मॉड्यूल के ये जो कनेक्शन कनेक्टेड क्वेश्चन है वो यूज कर सकता है. सो ICI मॉड्यूल का ही और ऑप्टिमाइज के कॉमन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऑप्टिमाइज में ज्यादा है तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया. तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि सारा का सारा सेम. ये देखो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है क्वेश्चंस, क्योंकि ऑप्टिमाइज और इसके वर्ड टू वर्ड आई मीन क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेम है. म्यूचुअल फंड में कुछ क्वेश्चंस ज्यादा है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो ये तुम लोगों को यूज करना है फॉर योर प्रेपरेशन. ठीक है, बट ये मास्टर सम मेरे हिसाब से सेकंड रिवीजन के लिए यूज करना चाहिए. फर्स्ट टाइम रिवीजन में सारी चीजें कंप्लीट करो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. चाहे आप लोग फर्स्ट रिवीजन में करो, सेकंड में करो या अटेम्प्ट लगने के बाद करो, सॉरी टू से, बट मेहनत तो करनी ही पड़ेगी पास होने के लिए. तो उससे अच्छा अटेम्प्ट लगाए बिना फर्स्ट टाइम में ही थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेना, थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया के ऊपर टाइम कम वेस्ट करे, थोड़ा सा और कहीं पे घूमने जा रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं, लेट एवरीथिंग टेक अ बैक सीट ओवर आर एग्जामिनेशंस विच इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग एज ऑफ नाउ. ये मेरा मानना है कि नहीं? सो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर. फॉरेक्स डेरिवेटिव्स इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबकी चीजें यहाँ पे तुम लोगों को मेंशन करती है. ये सारे के सारे ICI मॉड्यूल ऑप्टिमाइज दोनों से मैंने दे दिया है, डेज भी दिया है. जैसे फॉरेक्स को 1.5 पूरा डे दे सकते हो. अब इसमें थोड़ा आप लोगों को जगल करना है, ऊपर नीचे कर सकते हो. हो सकता है किसी का फॉरेक्स डेरिवेटिव्स और बहुत स्ट्रांग हो सकता है किसी का पोर्टफोलियो वीक हो, तो वो अपना टाइम ऊपर नीचे कर सकता है डेफिनेटली फॉर देमसेल्फ. फिर ये फेज 3 के लिए है एंड ये फेज 4 के लिए. यहाँ पे अभी कोई बहुत ज्यादा सम्स है नहीं, खाली एक सिक्योरिटी एनालिसिस में 2-3 सम्स है, वो 2-3 सम्स बाय डिफॉल्ट कर लेना. अदर देन दैट मोर ऑफ यहाँ पे तो थियोरी ही है, सो दैट्स वॉट यू हैव टू फोकस ऑन. अब सर हम लोगों को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा है, तो क्या करें? देन इन दैट केस ये देखो यहाँ पे खाली आपको ये PDF पे ये दिख रहा है आपको क्लिक करना है. खाली आप यहाँ पे जब आप लोगों के पास PDF है अब उसको क्लिक करोगे ना, सीधा आप वो प्लेलिस्ट पे जाओगे जहां पे आप लोगों को सारा रिवीजन दिख जाएगा. एंड अगर आप लोगों के पास मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस इट विल बी माय सीरियस सजेशन कि प्लीज मैजिक बुक ले लो. मैं लिंक दे देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, प्लीज विदाउट फेल मैजिक बुक ले लेना. नवंबर 25 के लिए नया अपडेटेड मैजिक बुक आ रहा है विच विल हैव कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, ऑल द कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज है ना एक जगह पे आपको, क्योंकि फॉर्मूलाज का ही गेम है AFM में. इतने सारे फॉर्मूलाज मुझे कहां से याद रहेंगे, मैं कहां से सब लिखाऊंगा एक जगह पे. इसी के लिए आप लोगों के लिए बनाया मैजिक बुक. जितने भी थियरी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और जितने भी मास्टर सम्स है सब ये अपने को हेल्पफुल रहेगा. और इसी मैजिक बुक के ऊपर मैंने रिविजन वीडियोज भी बनाया मेरे यूट्यूब के ऊपर, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड इट्स जस्ट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट, ₹2.99. सो डेफिनेटली यू शुड टेक इट, बाय इट एंड यूज इट टिल योर एग्जामिनेशन. ये जो सेकेंड एंड थर्ड रिविजन आप लोग करने वाले हो ना उसके लिए मैजिक बुक आपके लिए एक्चुअल में मैजिक करेगा एंड यू विल रियलाइज इट. मैं इसका एक आप लोगों को डेमो भी चाहिए मैजिक बुक का, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट यू कैन यूज इट एंड द लिंक टू बाय द बुक. ऑलराइट गाइज, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो जितने भी रिविजन वीडियोज है सब है आपके पास. अगर आपको लग रहा है कि सर हमको लेक्चर्स लेने हैं
then in that case you can do that as well. So there are three lectures which I have. एक है एग्जाम ओरिएंटेड, एक है द फास्ट ट्रैक और द जिसको मैं बोलता हूँ मास्टर क्लास, एंड एक है रेगुलर. अगर आप लोगों का अटेम्प्ट May 25 में है, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर माय एग्जाम ओरिएंटेड और मास्टर क्लास, कोई टेंशन नहीं है. सो एग्जाम ओरिएंटेड विल बी बेस्ट सुटेड फॉर यूर, बिकॉज यूजुअली मास्टर क्लास में उनको सजेस्ट करता हूँ जिनका एग्जाम हो गया है बट अटेम्प्ट लग गया और वो लोग क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके पास 100-120 आवर्स का ही टाइम रहता है, दे कैन यूज दैट मास्टर क्लास. बट अगर आपके पास 150 आवर्स जितना टाइम है, विच आई एम श्योर यू हैव, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो, 100% कवरेज, मजा आ जाएगा आप लोगों को, एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू ओनली इफ यू आर पेंडिंग विद द सब्जेक्ट. उसका डिटेल्स आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पे मैं लिंक दे देता हूं, वहां से भी आप लोग यूज कर सकते हो. अब कुछ जनरल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ मास्टर सम्स. सो अगर आप लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा मास्टर सम्स का, तो ही आप एग्जाम में अच्छी तरह से सम सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट सर हम सम करते करते चीजें क्लिक नहीं होती. ये क्लिक कहां से होता है भाई, कोई ऊपर से कोई जादू की छड़ी नहीं चलाने वाला है क्लिक के लिए. प्रैक्टिस इज गोइंग टू क्लिक इट फॉर यू. सो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को क्लिक होना चालू हो जाएगा. सेकंड, एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि यार 30% वेटेज मेरा एमसीक्यू का होने वाला है पब्लिक. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलरली मैं फ्री एमसीक्यूज डालता हूं, विच डेफिनेटली यू कैन यूज फॉर योर बेनिफिट. सो ये तो फ्री का है, तो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए फॉर योर गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स, बिकॉज 30 मार्क्स अगर इधर आ गया ना, तो सीरियसली बहुत एक अलग लेवल का अपने को कॉन्फिडेंस रहेगा टू अपियर फॉर द एग्जाम्स. नेक्स्ट इज टू मॉक्स टेस्ट, एक अपने आप को टेस्ट करने के लिए, दूसरा स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन होते हैं ना ये सब्जेक्ट में, कि अगर आप लोगों को वो स्पीड नहीं आया तो देर आर चांसेस कि आपका पेपर छूट जाए आते हुए भी, विच इज द लास्ट थिंग एनी स्टूडेंट वुड वॉन्ट. एंड देन बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, यहाँ पे अगर 1% का भी आप लोग ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया, देन इन दैट केस यू आर रिस्किंग योर 6 months ऑफ योर लाइफ विद एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 6 lakh rupees फॉर दो 6 months. सीधा बात बोल रहा हूं मैं एकदम. एंड स्टिक टू द रिविजन प्लान, अगर 10 दिन इधर बोला है तो स्टिक करो. प्लान बनाया इसीलिए जाता है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, जितनी अच्छी तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे ना, ट्रस्ट मी, उतना आप लोगों को अच्छे मार्क्स आने का चांसेस बढ़ता है. स्टिक टू इट. बट उसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी. क्या, एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप एंश्योर दैट योर प्लान ऑफ नेक्स्ट डे इज रेडी. मतलब अगर मैं आई एम अर्ली राइजर, तो मेरे को सुबह 5:30 बजे उठना है, 6 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, 6 to 9 में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, 10 to 1 में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, वो मेरा प्रीवियस नाइट को ही डिसाइडेड होता है. ऐसा नहीं है कि उसको मैं 100% एग्जीक्यूट कर पाता हूं, बट एटलीस्ट प्रीवियस डे मुझे पता होता है मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है. अब उसमें कोई डिविएशन आया तो आई हैव द फुल डे टू मैं पिकअप करके उसको मैनेज कर लेता हूं. 1 to 1:30 आई हैव माई लंच, देन आई स्लीप फॉर सम टाइम, वेक अप अगेन, मेरा वापस से आने वाले 6 घंटे का शेड्यूल. इतना समझ के कर लो, 12 hours एक ऑप्टिमम टाइम है. अगर आप कंसिस्टेंटली ये 12 hours क्लॉक कर सकते हो ना, देन इन दैट केस डन, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 101% आपको ये करके रैंक आ सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप कर लोगे वो 12 hours, फिर 5th day से वही घोड़े वही मैदान, तो नहीं चलेगा ये. ठीक है, सो ये 12 hours का एवरीडे प्लानिंग, एक दिन इसमें आप थोड़ा बफर रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ के भाई चलो ठीक है नहीं कुछ अपना हो पाया या वैसा, या कभी बाहर चले गए थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए, दैट्स फाइन. बट अगर मैं एक हफ्ते में से 6 दिन कंसिस्टेंटली 12 hours पढ़ रहा हूं, 7th day आई कैन डेफिनेटली यूज इट एज अ बफर. सो वो अब आपके ऊपर कि आप कितना सोशल मीडिया से दूर रहते हो, कितना मोबाइल फोन से स्विच ऑफ रहते हो, कितना पॉजिटिव रहते हो, एंड ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स काउंट. जब ये कंसिस्टेंटली डे ऑन डे करते जाओगे, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू डिजायर. बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ना सबको वही बुक है, पढ़ना वही मॉड्यूल है, आने वाला 50% पेपर वही मॉड्यूल में से कितना भी पेपर डिफिकल्ट आए, फिर भी पास 10% को ही होना है. ऐसा क्यों? The only answer is the discipline and the consistency.
दैट्स इट। अगर ये चीज आप कर सकते हो देन इन दैट केस आप जीत सकते हो। ऑलराइट, एक लास्ट चीज मैंने आप लोगों को बोली थी एंड दैट इज सम स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर आवर एससीपीएम स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग ने एससीपीएम लिया है मेरे से AFM के लिए देर आर सम स्पेशल कॉम्बो डिस्काउंट्स विच यू कैन यूज। एनीवेज, सो प्लीज आप लोग इस PDF को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना, स्पेशली ये जो इधर QR कोड्स दिया है ना गाइज, इस पे क्लिक करो, बहुत बहुत फायदा होगा। पूरा सब्जेक्ट एक काइंड ऑफ एक क्लिक में रिवाइज हो जाएगा, वैसे चीज है। एक एटलीस्ट एक कोई भी टॉपिक को सुन लेना आप लोग मेरे रिवीजन लेक्चर्स के एंड यू विल रियलाइज द डिफरेंस ऑफ द एफर्ट दैट हैज बीन पुट इन एवरी लेक्चर दैट यू आर गोइंग टू सी। ये देखो श्योर शॉट 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के 10 to 20 मिनट्स के अंदर मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करवा दिए यार। कितनी बार कोई कोई कॉन्सेप्ट अपन लोग अटक जाते हैं, आप ये श्योर शॉट को यूज करके वो देख लो। मतलब मैंने इसको नाम दिया है चाय विद AFM। एवरी डे 4:35 PM चाय पीते पीते आप लोग ये खाली 15 मिनट का वीडियो सुन लो एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो दैट्स हाउ इट इज। थ्योरी यूजुअली स्टूडेंट्स ऑप्शन में छोड़ते हैं, डोंट डू दैट मिस्टेक। कभी कभी है ना थ्योरी 20-20 मार्क के लिए आ जाता है और बीच बीच के क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4C। बीच बीच में अगर वो 5-5 मार्क का थियरी आया तो वी कैन नॉट लूज आउट ऑन दैट। अदरवाइज पहले है ना लास्ट क्वेश्चन आता था तो आप पूरा लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ सकते थे। इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैव नाउ बिकम वेरी स्मार्ट इन दैट रिगार्ड्स। सो दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एंश्योर दैट ये टाइम एलोकेशन ये प्लानिंग के साथ अपन लोग ये सब्जेक्ट को करें एंड आई एम श्योर वी विल डू ग्रेट। बाकी आप लोगों को कुछ और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स which are beneficial for you. PDF Telegram पे कर रहा हूं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक इट एंड डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइज, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।